नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, अब नए और भव्य रूप में। त्योहारों पर इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर उत्पाद की खरीद पर पाएं ढेर सारे उपहार। बाबा टेक्सटाइल प्यार और विश्वास के 40 वर्ष, मकतपुर मेन रोड में स्थित नए ब्रांच में फैंसी साड़ियाँ, शर्ट पैंट, कोट पैंट, शेरवानी, जींस वगैरह का हेवी कलेक्शन है, अवश्य पधारें। बड़ा चौक स्थित वोल्टास द ब्रांड शॉप में प्रत्येक खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार, यानी त्योहारों में उपहारों की बौछार। जल्दी करें, मौका छूट न जाए। शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीवाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीवाली हार्डवेयर। 75 साल बेमिसाल, झारखंड का नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड पाने वाला न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर में 55 अग्रणी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध। त्योहारों में पाएं खुशियों की दिवाली वाला ऑफर, अवश्य पधारें। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित COD का पवित्री हॉस्पिटल। गावा में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मारा छापा। अवैध रूप से मवेशी ले जा रहे 2 वाहनों को पकड़ा। खोरी महुआ SDPO के नेतृत्व में की गई कार्यवाही। खंडोली में पावर सब स्टेशन का हुआ विधिवत रूप से उद्घाटन। गिरिडीह व गांडी विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। गिरिडीह के लिए सब स्टेशन को बताया बेहद उपयोगी। सुभाष इंस्टीट्यूट में आजसू पार्टी महिला इकाई का जिला सम्मेलन हुआ संपन्न। संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा, आगामी कार्यक्रमों की भी बनी योजना। भाजपा नेता सुरेश साव ने की प्रेस वार्ता, राज्य सरकार पर साधा निशाना। सदर विधायक के सारे पर तेलोडी प्रकरण में इन पर हुआ है बेवजह मुकदमा। और वर्ल्ड फूड डे पर लॉयंस क्लब ने सदर अस्पताल और वृद्ध आश्रम में किया कार्यक्रम। 100 से ज्यादा लोगों के बीच किया खाद्य सामग्रियों का वितरण। क्लब के कई प्रमुख सदस्य रहे मौजूद। गावा में मवेशी लदे 2 वाहनों को पुलिस ने जब्त किया है। बताया गया कि बिहार को जोड़ने वाली गावा सदगावा पथ से रोज पशु तस्करी का खेल चल रहा है। बताया गया कि रात भर पुलिस इस रोड में गश्त करती है। मवेशी तस्करी का खेल बदस्तूर जारी है, जिससे गावा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बार खोरी महुआ SDPO मुकेश कुमार महतो के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। बताया गया कि SDPO मुकेश कुमार महतो के नेतृत्व में पुलिस ने मवेशी लदे 2 वाहनों को जब्त किया। घटना के संबंध में बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर बीती रात अंतरो पुल के पास खोरी महुआ SDPO के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। SDPO के नेतृत्व में वाहन चेकिंग चलाया गया, जिसमें मवेशियों से लदे हुए 2 पिकअप वाहन को जब्त किया गया। यहां बता दें कि गावा थाना की पुलिस गाड़ी रात भर थाना क्षेत्र के इस सड़क पर अंतरो पुल के पास खड़ी रहती है। इस सड़क से जानवरों से लदे वाहन गुजरते हैं, परंतु कार्रवाई नहीं होती है। यह कार्रवाई SDPO के नेतृत्व में हुई तो इसकी पोल खुल गई। उक्त संबंध में पूछे जाने पर वाहन चालक ने बताया कि बिहार के आरा से बोकारो धनबाद ले जाया जा रहा था। वही पिकअप में कुल 20 मवेशी लदे हुए थे। इनमें से 2 बछड़ों की मौत हो गई, जिसे पुलिस ने गावा में नदी किनारे ले जाकर दफनाया है। इधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालक उप चालक को गिरफ्तार कर लिया और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए कई प्रसिद्ध डॉक्टर यहां अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयां यहां मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है।
24 घंटे खुली रहने वाली कविता मेडिसिंस की गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और बोड़ो, यहां दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहां धनबाद के जालान हॉस्पिटल के प्रसिद्ध किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मिहिर कुमार, केरल से आए प्रोस्टेट कैंसर व मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र मोहन शुक्ला, धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म कुष्ठ गुप्त व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान नाक व गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, बेंगलुरु से आई स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता राय, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिंस, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अगर आपको किराए पर कमर्शियल स्पेस चाहिए तो ICR रोड में बैंक ऑफिस, शोरूम, कोचिंग इंस्टीट्यूट या अन्य कमर्शियल उपयोग के लिए बिल्कुल नया और सुंदर बना हुआ शानदार स्पेस उपलब्ध है। ICR रोड में श्याम मंदिर के ठीक बगल में श्री श्याम कॉम्प्लेक्स नामक एस नाइट बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध है। अगर आप किराए पर लेने के इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कृपया फोन करें। हमारा पता श्री श्याम कॉम्प्लेक्स, ICR रोड, श्याम मंदिर के बगल में, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड के खंडोली में 33/11 केवी का डेडिकेटेड पावर सबस्टेशन का उद्घाटन रविवार को विधिवत रूप से किया गया। यहां गिरिडीह विधायक सुदीव कुमार सोनू और गांजी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद और जीप अध्यक्ष मुनिया देवी के द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन की औपचारिकता पूरी की गई। मौके पर सबसे पहले सबस्टेशन के पास पूजा अर्चना किया गया। इसके बाद फीता काट कर सबस्टेशन का विधिवत उद्घाटन किया गया। बताया गया कि यह डेडिकेटेड पावर सबस्टेशन खंडोली जिला पूर्ति योजना को प्रत्येक दिन 24 घंटे बिजली की आपूर्ति प्रदान करेगा। इसके अलावा अगल बगल के 5 पंचायतों के लगभग 40 से 50 गांवों को बिजली की आपूर्ति करेगा, जिसके कारण इन गांवों को अब ज्यादा मात्रा में बिजली उपलब्ध होगा। जानकारी दी गई कि गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को खंडोली जलापूर्ति योजना से पेयजल की आपूर्ति में कई बाधाएं आती थी, जिसमें सबसे बड़ी बाधा बिजली का बाधित होना माना गया था। इस डेडिकेट विद्युत शक्ति उपकेंद्र के उद्घाटन होने से अब शहरवासियों को काफी सहूलियत होगी और जिला पूर्ति योजना को 24 घंटे तक बिजली मिलेगी। विधायक श्री सोनू ने कहा कि जो सपना एक साल पहले देखा गया था वो आज साकार हुआ है। अब शहरवासियों को सप्लाई पानी के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, साथ ही आसपास के गाँव को नियमित बिजली मिलेगी। बिजली विभाग के इस कार्यक्रम के दौरान विद्युत सप्लाई नहीं रहने के कारण बिजली विभाग पर सदर विधायक भड़क उठे। उन्होंने कहा कि आज इस सब स्टेशन का उद्घाटन हुआ है और विद्युत आपूर्ति कटा हुआ है, उन्होंने इस ओर सुधार करने की बात कही। मौके पर कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, बिजली विभाग अधिकार समेत अन्य झामुमो नेतागण मौजूद थे। हमारे सब स्टेशन 13/11 जो खास कर डब्ल्यू इसका लोकार्पण करते हुए हमें बड़ी खुशी है। जो सपना हम लोगों ने इतने साल पहले देखा था वो साकार हुआ। अब क्वालिटी पावर मिलने के बाद गुणवत्ता सुधरेगी और साथ ही इस इलाके में 5 पंचायतों का टारगेट है यहाँ से पावर देने का, उनकी भी पावर की क्वालिटी सुधरेगी। पावर और आजसू पार्टी जिला स्तरीय महिला मोर्चा का सम्मेलन रविवार को बेंगाबाद क्षेत्र के सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में किया गया था। इस सम्मेलन में गिरिडीह के सभी प्रखंडों से आई हुई महिलाओं ने भाग लिया। सम्मेलन का नेतृत्व महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रियंका शर्मा ने किया। सम्मेलन में पार्टी के जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, गांधे विधानसभा प्रभारी अर्जुन बैठा, डुमरी विधानसभा प्रभारी यशोदा देवी, गिरिडीह सदर प्रमुख पूनम देवी एवं जिला और प्रखंड के कई पदाधिकारी सम्मेलन में मौजूद रहे। सम्मेलन में 1000 से ज्यादा महिलाओं ने भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मुख्य रूप से इस आयोजन में गांधी एवं बेंगाबाद प्रखंड की ज्यादातर महिलाएं भाग ली। सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रियंका शर्मा ने कहा कि हमें सड़क से लेकर सदन तक अन्याय के खिलाफ लड़ना है। सड़क का प्रदर्शन हम महिलाएं संभालेंगे एवं सदन का प्रदर्शन हमारी पार्टी से जीते हुए जनप्रतिनिधि विधानसभा में संभालेंगे।
आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए गांडे के अर्जुन बैठा ने एवं डुमरी के विधानसभा प्रभारी ने बिगुल फूका एवं कहा कि जिस तरह से महिलाओं का समर्थन हमें मिल रहा है, विधानसभा का रास्ता दूर नहीं है। आजसू पार्टी जरूर अपना परचम गांडे एवं डुमरी में लहराएगी। साथ ही साथ महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने अपनी सभी प्रखंड एवं पंचायत की टीमों को निर्देश दिया था कि मार्च 2023 के पहले हर पंचायत में कम से कम 300 महिलाओं की टीम हमें खड़ी करनी है। आज हमारा 2400 जिला में जिला सम्मेलन हो रहा है आसू पार्टी से, और हमारा गिरिडीह जिला में भी 13 प्रखंड से महिला लोग आई हुई हैं महिला सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि अब हमारे भी गांव की महिला लोग बढ़ चढ़ करके भागीदारी ले रही है समाज में, जो बहुत बड़ी बात है। और आप लोग का स्वागत है मीडिया लोग का। आज क्या कार्यक्रम है आप लोग? आज हम लोग का जिला सम्मेलन हो रहा है महिला मोर्चा का। जितनी भी महिला आई हुई है, एक नहीं बल्कि 2400 जिला में ये प्रोग्राम चल रहा है, और 2400 जिला में आसू पार्टी की महिला मोर्चा का एक बड़ा ही झंडा गढ़ने वाला है बहुत जल्द, जिसे गिरिडीह जिला में भी देखा जा रहा है कि बहुत सारी महिला बढ़ चढ़ करके शामिल हो रही है। और इससे हमारा समाज में जितने भी भ्रष्टाचारी और अन्याय को लेकर के चर्चा होती है, उस पर हम लोग आवाज़ उठाएंगे सारी महिला मिल करके। और अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारी महिला हम लोग को देख करके साथ में आ रही है पार्टी में जुड़ने के लिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं जो हमारी पार्टी से जुड़ना चाहती हैं। बस इसी तरह से हम लोग अपना गांव में भी देख रहे हैं, पंचायत में भी देख रहे हैं, महिला लोग घर से निकल करके समाज में भागीदारी कर रही हैं। आइए, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा आज पूरे राज्य भर में प्रत्येक जिले में जिला महिला सम्मेलन हो रहा है, और गिरिडीह जिले में भी महिला सम्मेलन संपन्न हो चुका है। और जिस जो जनसैलाब आप लोग देख रहे हैं, ये जनसैलाब बता रहा है कि गिरिडीह जिला में अगर महिला संगठन किसी के पास है तो एकमात्र पार्टी है, वो है आजसू पार्टी। और जिस तरीके से आज भ्रष्टाचार, भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, अभी कल ही हम लोगों ने बयान दिया, कुछ माह पूर्व 208 PDS दुकानों को रद्द किया गया। आप लोगों ने रद्द तो कर दिया, लेकिन जो लाइसेंस निर्गत आपने उसमें नाम जोड़ने का काम किया, और उसके परिवार से जब पूछा जा रहा है कि क्या आपने आपका इलाज हुआ, तो साफ बोल रहा हमारा तो कोई इलाजे नहीं हुआ। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या? तो इस पर भी मैं CS गिरिडीह से, माननीय सिविल सर्जन साहब से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द वैसे अस्पतालों पे ताला बंद करने का काम करें, नहीं उसके लिए भी पुरजोर आंदोलन हो। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साह ने रविवार को शास्त्री नगर स्थित अपने आवास में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि जब से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार आई है, तब से हजारों निर्दोष भाजपा कार्यकर्ता एवं नेताओं के साथ मारपीट और झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। कई बार तो राज्य की पुलिस मुखदर्शक बनी रहती है, राज्य की प्रशासन कठपुतली बनकर जनता की सेवा छोड़ अन्याय कार्य कर रही है। इन्होंने हाल ही में तेलोडी में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यहां के स्थानीय विधायक के सारे पर इनका नाम घसीटने का प्रयास किया गया है, जो निराधार है। गिरिडीह की जनता जानती है कि तेलोडी प्रकरण से इनका कोई सरोकार नहीं है। यह घटना जिस दिन हुई, उस दिन ये अपने निजी आवास पर हवन पूजन कर रहे थे। इन्होंने कहा कि जब से गिरिडीह के विधायक ने अपना कार्यभार संभाला है, गिरिडीह की जनता अमन चैन से नहीं रह पाई है। आए दिन दो समुदायों के बीच विवाद होता रहता है। गिरिडीह में लूट खसोट मचा हुआ है, चाहे मामला जमीन का हो या सरकारी संपत्ति का। सरकारी खजाने तक तो लुटवा दिया गया है। इन्हीं मुद्दों एवं इनके काले कारनामों को इनके द्वारा लगातार जनता के बीच रखा जा रहा है। इन्होंने कहा कि तेलोडी की घटना में मेरा नाम जबरन जिक्र किया गया है। पुलिस प्रशासन से इस घटना को लेकर मांग करते हुए कहा कि उक्त प्रकरण की जांच निष्पक्षता से किया जाए, स्थानीय विधायक के दबाव में आकर कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे जनता का विश्वास पुलिस प्रशासन पर से उठ जाए, अथवा पुलिस प्रशासन की छवि धूमिल हो और जनता के बीच आक्रोश फैले। प्रेस वार्ता में
सुनील पासवान, नवीन सिन्हा, मनोज मौर्या, राजेश जायसवाल, मनोज संघई, श्रीकांत शर्मा, रविंद्र मंडल, सुनील रजक समेत कई भाजपा नेता उपस्थित थे। 2019 में जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से लगातार हजारों निर्दोष भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठा मुकदमा ये सरकार करने का काम किया है। आप देखेंगे कि पिछले दिनों तेलोडी में एक घटना घटी थी और उस घटना में यहाँ के स्थानीय विधायक के इशारे पर मेरा नाम घसीटने का काम किया है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरा उस घटना से कोई सरोकार नहीं है। ये गिरिडीह की जनता भली भांति जानती है और मैं यहाँ के जिला प्रशासन से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ कि किसी के दबाव में आप काम ना करें, निष्पक्षता से आप जांच करें और जो दोषी है उसको कार्रवाई करें, लेकिन निर्दोष नहीं फंसे। और अगर ये गिरिडीह के विधायक सोचते हैं कि फर्जी मुकदमा करके और यहाँ के बहुसंख्यक जनता की आवाज़ को कुचल देंगे तो ये उनका भूल है। यहाँ और जनता में आक्रोश बढ़ेगा और आने वाले दिनों में इसका परिणाम गिरिडीह की जनता, गिरिडीह के विधायक को दिखाएगी और हम ये कहेंगे कि प्रशासन से आग्रह करेंगे कि आप सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आप कार्रवाई करें और निष्पक्षता से ये सारी चीज जनता के बीच लाएं ताकि जनता में जो आक्रोश फैला है वो भ्रम की स्थिति दूर हो। वर्ल्ड फूड डे के अवसर पर रविवार को लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन द्वारा सदर अस्पताल गिरिडीह एवं वृद्धा आश्रम स्नेहदीप में लगभग 100 से ज्यादा लोगों के बीच फल, बिस्किट एवं हॉर्लिक्स इत्यादि का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्लब के अध्यक्ष लायन अशोक पगड़िया, सचिव लायन संजय डंगायच, कोषाध्यक्ष लायन अमित जलान, साहिल कुमार एवं लायन डॉक्टर आनंद कुमार की उपस्थिति रही। चंबा के शारदा कन्या मध्य विद्यालय में रविवार को बचपन बचाओ अभियान का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान दीप जलाकर शपथ दिलाई गई कि बच्चे का बचपन सुरक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना है। बताया गया कि विद्यालय के पोषक क्षेत्र में बच्चे के अभिभावकों के बीच जागरूकता पैदा करना है कि बचपन सुरक्षित रखे। इस कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्रा, शिक्षिका माया मरियम, हंसा सुनीता गुप्ता, पूनम कुमारी, श्वीटी कुमारी सहित बाल सांसद के सभी मंत्री एवं छात्र छात्राएं, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। गिरिडीह के निर्देशानुसार विद्यालय प्रांगण में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सदैश संयोजिका, रसोईया एवं विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के द्वारा बचपन बचाओ अभियान का प्रारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया और यहाँ हम लोगों ने दीप जला कर या लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची के बचपन को कैसे बचाया जाए। इस पर हम लोग अभी शपथ भी दिलाए और आगे भी लोगों से इस पर आग्रह किया जाएगा कि कम उम्र में नाबालिग बच्चे की शादी न करें, उन्हें पूर्ण शिक्षा होने के उपरांत ही और बालिग होने के बाद ही उनकी शादी वगैरह हो और बच्चे के बचपन पर हम लोग इसे ध्यान दें और उनके बचपन को हम लोग किसी भी तरह से ये नहीं होने दें और उनके बचपन सुरक्षित बचपन उनका हो, यह हम लोगों के बीच जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में SMC के अध्यक्ष सरिता देवी, संयोजिका रीता देवी, सदैश गीता देवी, आशा देवी, बबीता देवी एवं रसोईया कमला देवी, कौशल्या देवी सहित विद्यालय के बच्चे आंशिक गुप्ता, दिव्यांशु कुमार सहित सभी बच्चों ने भाग लिया है जो बहुत ही सराहनीय। भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष उज्जवल कुमार रावण की अध्यक्षता में
रविवार को हुट्टी बाजार अंबेडकर भवन में एक बैठक की गई। इस दौरान भीम आर्मी जिला कमेटी के विस्तार हेतु तो विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए चुनाव का आयोजन किया गया। यहां चुनाव के माध्यम से विभिन्न पदाधिकारियों का चयन किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष के तौर पर एकलव्य कुमार उजाला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी, उपाध्यक्ष रजनीश राज शुभम कुमार, महासचिव रोहित कुमार दास, कोषाध्यक्ष नंदलाल दास, मीडिया प्रभारी पप्पू कुमार दास, जिला प्रवक्ता प्रीति बौद्ध और जिला सलाहकार रूपलाल बौद्ध को नियुक्त किया गया। इस दौरान सभी नव निर्वाचितों ने संगठन के नीति एवं विचारधारा तथा मूल निवासी महापुरुषों के मिशन एवं मार्गदर्शन में आस्था और विश्वास रखते हुए संगठन को जिले में गांव-गांव तक पहुंचाने के दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत प्रदेश अध्यक्ष उज्ज्वल कुमार रावण के द्वारा किया गया। तो आज हम लोगों ने टोटल जिला कमेटी का विस्तार किया 9 लोगों का, और 9 जो चिन्हित पदाधिकारी है, मुझे आता है ना कि पूर्ण विश्वास है कि लोग भीम आर्मी संगठन को समाज को सशक्त बनाने के पूरे मंडल नेता के साथ हम संगठन को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा मकसद है कि शिक्षा जो स्तर है हमारे लोगों को वाकई में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण लोग कमज़ोर रहते हैं और अपना राइट्स को नहीं जान पाते। तो हम लोग भीम आर्मी टाइगर डिफेंस एक पाठशाला भी चला रहे हैं, उसमें हम लोग संविधान भी पढ़ाते हैं। जितना ज़्यादा संविधान जानेंगे लोग उतना जागरूक होंगे, उतना अंधविश्वास से हटेंगे और सशक्त बनाएंगे। रावण जी का जो प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के हैं और हमारे बड़े भाई साहब देवेंद्र कुमार हमारे गार्जियन स्वरूप भी हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनकी अगुवाई में आज भीम आर्मी का गिरिडीह जिला में जिला कमेटी का चुनाव किया गया, जिसमें मुझे नौ युवक साथियों के द्वारा जिला अध्यक्ष का पदभार दिया गया, जिसे मैं पूरी तहे दिल से मैं भीम आर्मी को गिरिडीह जिला में आगे बढ़ाऊंगा। गिरिडीह में विस्तार हुआ है, उसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष जनाब उज्ज्वल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे जिले का उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। मैं इंशाल्लाह पूरे क्षेत्र में 13 प्रखंड में तमाम युवाओं के बीच, तमाम जन लोगों के बीच में जाकर के और अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार पूरा क्षेत्र में कार्य करूँगा। अखिल भारतीय डाक सेवक संघ की ओर से रविवार को हुट्टी बाजार अंबेडकर भवन में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघ गिरिडीह मंडल का 9वां अधिवेशन धूमधाम से मनाया गया। यह कार्यक्रम की अध्यक्षता अधीक्षक उत्तम सिंह के द्वारा किया गया। इस दौरान बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सर्कल रांची के प्रमंडलीय सचिव रामेश्वर गोप, प्रमंडलीय अध्यक्ष कमलेश सिंह, डाक अधीक्षक उत्तम कुमार सिंह, डाक निरीक्षक सुचित्रा कुमारी, हेड पोस्ट मास्टर मनोज कुमार, राजेंद्र प्रसाद वर्मा, दशरथ प्रसाद मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से नए पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर वीरेंद्र पांडे सचिव के पद पर, वंशीधर यादव कोषाध्यक्ष के पद पर अखिलेश प्रसाद यादव को चुना गया। कार्यक्रम के दौरान संगठनात्मक गतिविधियां मंडलीय एवं प्रमंडलीय स्तर पर कर्मचारियों की समस्या एवं उसके निदान हेतु उठाए गए आवश्यक कदम, पिछले अधिवेशन के क्रियाकलाप की संपुष्टि आदि पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान सभी नवनिर्वाचितों को फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सभी ने संघ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो भी दायित्व दिया गया है उसका बखूबी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। सभी नव चयनितों ने कहा कि सभी को एक सूत्र में बांधते हुए विभाग द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अपने अपने पद पर रहते हुए सभी ने ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने की बातें कही। संगठन की ओर से जो मुझे यह पद मिला है, मैं इसको ईमानदारी पूर्वक चलाऊंगा। साथ ही साथ जितने भी हमारे जूनियर्स भाई और बहन है, सबको एक सूत्र में बांधने का मैं काम करूंगा, तथा जो भी समस्या विभाग से आएगा उसका हम लोग मिल बैठ करके सारी समस्या का समाधान करेंगे। झारखंड प्रदेश तुरी समाज की समीक्षा बैठक रविवार शहर के बीबीसी रोड स्थित होटल कलश उत्सव भवन में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष चंदन तुरी मौजूद थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद तुरी,
संगठन प्रभारी तुलसी तुरी, संगठन सचिव उमेश तुरी उपस्थित होकर समाज के लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कृष्णा तुरी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को बुके देकर किया गया। इस दौरान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीते हुए तुरी समाज के सभी प्रतिनिधियों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद तुरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष चंदन तुरी ने कहा कि तुरी समाज को अगर आगे बढ़ना है तो हम सभी यह संकल्प ले कि समाज के हर घर में शिक्षा का अलख जगाएंगे। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद तुरी ने कहा कि तुरी समाज झारखंड की राजनीति में अहम भूमिका निभाते आ रहा है और तुरी समाज को जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम तुरी समाज के लोग अपना हक लेने जानते हैं और अपना हक लेकर रहेंगे। मौके पर महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रभा देवी, सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप तुरी, जिला महामंत्री शिवलाल तुरी, प्रखंड सचिव नकुल तुरी, मनोज तुरी, गणेश तुरी, सुरेश, प्रकाश, दिनेश तुरी सहित समाज के लोग सैकड़ों लोग मौजूद थे। आज हम लोग जो यहाँ पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, इसमें हम लोग को शिक्षा, रोजगार और नशा मुक्त से हम लोग अपना समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रदेश तुरी समाज के बैनर तले गिरिडीह में एक समीक्षा बैठक रखा गया है, जिसमें हमारे समाज में जो भी वार्ड सदस्य मुखिया जो जीत के आए हैं उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं और इन बातों पर चर्चा हो रही है। जो हमारे सोजाति का समीक्षा बैठक रखा गया है, जिसमें मुखिया जितने हमारे प्रत्याशी जीत के आए हैं उनको सम्मानित भी कर रहे हैं हम लोग और समाज के उत्थान की ओर जाएंगे और एक अच्छा सवेरा का ये प्रयास होगा कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं सब अच्छे से पढ़े और शिक्षा पर ज़्यादा जोर होगा। पपरवा ताड़ डीसी ऑफिस से रविवार को उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने दिया जलाकर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के विधिवत शुरुआत की। मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अष्टाधिकारी गिरिडीह बाल संरक्षण पदाधिकारी कल्याण सत्यार्थी फाउंडेशन के कर्मी, बचपन बचाओ फाउंडेशन के कर्मी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अवसर पर उपायुक्त नवन प्रेस लकड़ा ने सभी पदाधिकारियों एवं संबंधित कर्मियों को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत शपथ दिलाई। इसके अलावा कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने दिया जलाकर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। इस दौरान उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शपथ दिलाते हुए कहा कि आज हम सब एक संकल्प लेते हैं कि हम बाल विवाह नहीं करेंगे, वह हम ऐसे किसी आयोजन में शामिल नहीं होंगे जहां बाल विवाह हो रहा है और हम यह प्रण करते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। शहर के अर्घाघाट रोड स्थित निमेश कुमार जन वितरण प्रणाली के दुकान पर रविवार को लाभुकों ने हंगामा किया। बताया गया कि इसके द्वारा बीते 3 महीने से राशन वितरण नहीं किया गया है, साथ ही पिछले करीब 2 वर्षों से 2 बार की जगह एक ही बार राशन वितरण किए जाने की शिकायत भी लाभुकों ने की। बताया गया कि पत्रकारों के पहुंचने पर दुकानदार गायब हो गया और उसकी जगह कोई अन्य बुजुर्ग व्यक्ति को दुकान में बैठे हुए थे। यहाँ उपस्थित कार्डधारियों के द्वारा बताया कि पिछले 3 महीनों से राशन का वितरण नहीं किया जा रहा, फोन करने पर दुकानदार गाली गलौज भी करता है और मशीन खराब होने की बात बताई जाती है। साथ ही पिछले लगभग 2 वर्षों से महीने में 2 बार मिलने वाले अनाज को केवल एक ही बार वितरण किया गया है, जबकि अंगूठा कई बार लगवा लिया जाता है। विरोध करने पर तरह तरह की धमकी दी जाती है। कार्डधारियों ने राशन गबन का आरोप दुकानदार पर लगाया। मामले की जानकारी होते ही भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा भी मौके पर पहुंचे और दुकानदार पर कार्रवाई की मांग की। क्या बोलते हैं जब वो लोग? जब हम मालिक को फोन करते हैं तो गाली गलौज से बात करता है, बोलता है जहाँ जाना है जाओ। अच्छा, माता चौक बहन चौक गाली देता ही है कस्टमर लोग को। तुम्हारा बाप का राशन है, तुम्हारा बाप का चीज है, क्या देंगे? जा, नहीं देंगे, जहाँ जाना जा। दुकान का जो मालिक है वो आते हैं? नहीं आते हैं, 2 बार फोन किए नहीं आता है, गाली गलौज करता है।
राशन आने के बाटने पहले बेच देता है चावल 15 बोरा अगला बार बेचा है और कितना भी निकाल के चौदह बोर के बेचा है चावल और हम लोग को घुमाता रहता है कि महीना ना मिला ही महीना ना मिला अभी बाद में देंगे ऐसा करेंगे अभी नहीं मिलेगा या बाद में उसी तरह चावल बटन करते रहता है हम लोग का हम लोग को राशन नहीं मिला है मांगने से बोलता है हमें नहीं देंगे राशन। अच्छा ये कोई तरीका है? क्या नाम हुआ आपका? अंजन कुमार राम। क्या नाम है इस दुकान का? क्या नाम है? वो दुकानदार का नाम है निवेश कुमार साहब। अच्छा ये कहाँ पे स्थित है ये? है ये जगह का नाम क्या है? ये पंजाबी मोहल्ला। अच्छा कितना दिन से नहीं मिल रहा है आप लोगों? हम लोग को 2-3-4 महीना से नहीं दे रहा, कभी देता कभी नहीं देता, कभी एक महीना देता एक महीना खा जाता है, बराबर आ रहा पीएम मोदी को भी नहीं मिलता चावल जो भी मिलता है। कहाँ के रहने वाले? पंजाबी मोहल्ला। अच्छा क्या क्या मामला है, क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? यहाँ एक महीना राशन देता है दूसरा महीना कैप, यहाँ बढ़िया से राशन दे नहीं रहा है। कब से हो रहा है सर? ये 3 महीना से हो रहा है। आप लोग कितना कितना राशन मिलता है आप लोग? हमको मिलता है 35 किलो पीला काट। 35 किलो भी काट लेता है राशन? कितना काटता है 35 किलो? काटता है 1 किलो 2 किलो बस। जैसे कि अभी 2 बार मिलने का अलाउ है तो कितना बार मिलता है? एक बार मिला, एक बार का कहाँ दिया। कितना दिन से ये समस्या हो रही है आप लोग को? 3 महीने। परसाटान पंचायत भवन में रविवार को स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि विनोद वर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें आगामी कार्यक्रम पर अहम निर्णय लिए गए। बताया गया कि 19 अक्टूबर को परसाटान पंचायत भवन में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन होना है, इसी को लेकर बैठक की गई। बैठक में जी प्रतिनिधि अनवर अंसारी, वार्ड सदस्य निरंजन कुमार, उप मुखिया अशोक वर्मा, वार्ड सदस्य राजू दास, अशोक वर्मा, अरुण मल्ला, संजीत स्वर्णकार, अभिषेक वर्मा, धीरज कुमार आदि मौजूद थे। सरकार का निर्देशानुसार दिनांक 19/10/2022 को परसाटन पंचायत में कैंप लगाया जा रहा है, पंचायत भवन में, जहां पर कल्प है इसके लिए यह कार्यक्रम कैंप लगाया जा रहा है, जिसके तहत आज हम लोग बैठे हुए हैं उनकी तैयारी के लिए। इसलिए तमाम लोगों से, जितने हमारे वार्ड सदस्य आए हैं, जितने पदाधिकारी हैं, तमाम लोगों से हम लोग कहना चाहते हैं कि यह संदेश अपने गांव के वार्ड के तमाम लोगों को दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस दिन पहुँच सके और अपना काम करा सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपना आज परसाटन पंचायत भवन में 19 तारीख को कैंप लगना है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रीडी की धरती से शुभारम्भ कर चुके हैं, यहाँ पर 19 तारीख को लगना है। इसीलिए आज हम लोग मुखिया जी की अध्यक्षता में हमारे पंचायत सचिव वगैरह, पंचायत समिति, तमाम वार्ड सदस्य यहाँ पर आए थे और तमाम वार्ड सदस्य को कहा गया है सभी लोग प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ताकि सरकार द्वारा जो जनकल्याणकारी योजना चलाई जा रही है उसका लाभ लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। उस दिन हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी रहेंगे और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यही अपील करना चाहूँगा परसाटन पंचायत के तमाम ग्रामवासियों से कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, जो आपके यहाँ शिविर लगने जा रहा है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग, माताओं बहनों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवें और सरकार द्वारा जो चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजना। गावा में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मारा छापा, अवैध रूप से मवेशी ले जा रहे 2 वाहनों को पकड़ा, खोरी महुआ SDPO के नेतृत्व में की गई कार्यवाही। खंडोली में पावर सब स्टेशन का हुआ विधिवत रूप से उद्घाटन, गिरिडीह व गांडी विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति, गिरिडीह के लिए सब स्टेशन को बताया बेहद उपयोगी। सुभाष इंस्टीट्यूट में आजसू पार्टी महिला इकाई का जिला सम्मेलन हुआ संपन्न, संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा, आगामी कार्यक्रमों की भी बनी योजना। भाजपा नेता सुरेश साव ने की प्रेस वार्ता, राज्य सरकार पर साधा निशाना, सदर विधायक के सारे पर तेलोडी प्रकरण में इन पर हुआ है बेवजह मुकदमा।
और वर्ल्ड फूड डे पर लॉयंस क्लब ने सदर अस्पताल और वृद्ध आश्रम में किया कार्यक्रम। 100 से ज्यादा लोगों के बीच किया खाद्य सामग्रियों का वितरण। क्लब के कई प्रमुख सदस्य रहे मौजूद। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।